नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि दोनों प्रकार के इग्निशन सिस्टम को कहां कहां प्रयोग करते हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम का प्रयोग जो लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं, जैसे पिकअप है, मिनी ट्रक्स हैं या कार इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का प्रयोग टू व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर या रेसिंग कार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी का प्रयोग करते हैं इसलिए इसको बैटरी इग्निशन सिस्टम कहते हैं, और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में मैग्नेटो का प्रयोग करते हैं इसलिए इसको मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कहते हैं। तो बात करते हैं कि इन दोनों टाइप्स के इग्निशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम में करंट प्राइमरी सर्किट के लिए बैटरी से प्राप्त किया जाता है, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में मैग्नेटो के द्वारा करंट जनरेट किया जाता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को जनरेट किया जाता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम कम स्पीड पर भी बढ़िया स्पार्किंग प्रदान करता है स्पार्क प्लग पर, जबकि जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है इंजन की स्टार्टिंग के समय या फिर कम स्पीड पर पुअर स्पार्किंग प्रोवाइड करता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वह बड़ी आसानी से हो जाती है, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। अगर बैटरी की हम बात करें, इसमें जो बैटरी प्रयोग करते हैं वह डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है, तो इसके डिस्चार्ज होने से इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते और बैटरी को फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी का प्रयोग नहीं करते तो बैटरी को रिचार्ज करने की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहती। बैटरी इग्निशन सिस्टम के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है जो वो साइज़ में कम्पैक्ट होता है, तो इसके लिए कम स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर वायरिंग की बात करें तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो वायरिंग होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में जो वायरिंग है वो सिंपल होती है। अगर जब इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है, बैटरी इग्निशन सिस्टम में अगर इंजन स्पीड बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में स्पार्क इंटेंसिटी भी कम होने लगती है और इसकी जो एफिशिएंसी है वह भी कम हो जाती है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में इंजन स्पीड बढ़ने पर हाई स्पार्क इंटेंसिटी मिलती है और सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वह भी इम्प्रूव हो जाती है। बैटरी इग्निशन सिस्टम जिसमें स्पार्क प्लग पर स्पार्क जनरेट करने के लिए बैटरी और इग्निशन कोयल का प्रयोग करते हैं, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में आवश्यकता अनुसार स्पार्क या एनर्जी इसके अपने जनरेटर के द्वारा जनरेट की जाती है। अगर बैटरी मेंटेनेंस की बात करें तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी का प्रयोग नहीं करते तो इसलिए इसमें बैटरी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर स्पार्क स्ट्रेंथ की बात करें, बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो स्पार्क स्ट्रेंथ है वह इंजन की स्पीड पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जो करंट है वह बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में स्पार्क स्ट्रेंथ इंजन स्पीड पर निर्भर करती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो बैटरी इग्निशन सिस्टम कम कॉस्टली होता है और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली होता है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कहां कहां इनको प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।